मैं हूँ अंशु और आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल अंशुज किचन में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सी रेसिपी लेकर आई हूँ। ये है ओरियो बिस्किट से चॉकोबार आइसक्रीम बनाने की रेसिपी। इसमें मैंने किसी भी मोल्ड का यूज नहीं किया है और मेन बात ये है फ्रेंड्स कि हमने इसमें बिना गैस जलाए ओरियो बिस्किट से चॉकोबार आइसक्रीम बनाई है। तो अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओरियो बिस्किट से चॉकोबार आइसक्रीम बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ओरियो बिस्किट ले लिए हैं। उसको इस तरीके से बेलन की हेल्प से हम जो इसके अंदर बिस्किट हैं उनको तोड़ लेंगे। पूरे तरीके से नहीं, पाउडर बनाना है, हल्का सा पाउडर बनाना है, हल्की सी क्रंची क्रंची से रखने हैं। तो मैंने यहाँ पर दो आइसक्रीम बना रही हूँ, इसीलिए दो ओरियो पैकेट लिए हैं बिस्किट के। तो दोनों पैकेटों को हम इसी तरीके से क्या करेंगे, इसका हल्का सा पाउडर बना लेंगे। मैं यहाँ पर विदाउट मोल्ड के आइसक्रीम बना रही हूँ। आप आगे चल के देख सकते हैं, पूरी वीडियो ही देखें फ्रेंड्स, तभी आपको पता चलेगा कि मैंने ये विदाउट मोल्ड के ही बनाई है आइसक्रीम। तो दोनों पैकेटों का हमने पाउडर बना लिया है और उसको हम इस तरीके से सीजर की हेल्प से ऊपर से कट कर लेंगे। पैकेट को कट करने के बाद अभी हम क्या करेंगे, इसे एक ग्लास में रख देंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पर किसी मोल्ड का यूज़ नहीं किया है तो जो ग्लास है उसको सपोर्ट करेगा। तो दूसरा पैकेट भी हम इसी तरीके से कट कर लेंगे सीजर की हेल्प से और इसको भी ग्लास में रख देंगे। ग्लास में रखने के बाद अभी हम क्या करेंगे, जो आइसक्रीम में यूज़ होती है स्टिक, मैंने वो ले रखी है इसमें, आप देख सकते हैं। तो अभी इसको पैकेट के अंदर सेट कर देंगे इस तरीके से। सेट करने के बाद अभी मैं इसमें डालूंगी दूध। मैंने यहाँ पर ज़्यादा दूध का यूज़ नहीं किया है, 2 से 3 चम्मच के करीब ही दूध यूज़ किया है। जितने हमारे बिस्किट है ना उसका हाफ मिल्क यूज़ किया है। तो डालने के बाद उसी स्टिक से हम अच्छे से मिक्स कर देंगे इसको और स्टिक को उसी में सेट कर देंगे पैकेट में इस तरीके से। इससे क्या होगा, हमारी जो आइसक्रीम को है वो आसानी मिलेगी निकालने में। तो अच्छे से सेट करने के बाद अभी मैं क्या करूँगी, हमारी आइसक्रीम जो है वो जमने के लिए तैयार है। तो 5 से 6 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे जमने के लिए। 5 से 6 घंटे बाद हम क्या करेंगे, चॉकोबार आइसक्रीम के लिए जो हमारी चॉकलेट है उसे मेल्ट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर 2 पैकेट डेरी मिल्क यूज़ की है। तो एक पैन ले लिया है, पैन में मैंने पानी रख दिया है, गैस का फ्लेम मीडियम रख दिया है और उसके ऊपर मैंने कांच का बाउल रख लिया है ताकि हमारी जो डेरी मिल्क है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो अभी आप देख सकते हैं ये मेल्ट होना शुरू हो गई है। तो मेरे पास थोड़ी चॉकलेट कम थी इसीलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा कोको पाउडर का यूज़ किया हुआ है। अगर आपके पास चॉकलेट ज़्यादा है तो आप कोको पाउडर का यूज़ ना करें, बट टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा फ्रेंड्स, आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखें। मैंने यहाँ पर 1 चम्मच कोको पाउडर ऐड कर लिया है। तो अभी हमारी जो चॉकलेट है वो थोड़ी सी थिक है इसीलिए मैंने यहाँ पर 2 से 3 चम्मच मिल्क ऐड कर लिया है। अगर आपको थोड़ी और थिक लगे तो आप इसमें मिल्क और ऐड कर सकते हैं। तो अभी हम इस तरीके से इसको मेल्ट कर लेंगे। अभी आप देख सकते हैं ये मेल्ट हो चुकी है पूरे तरीके से। तो अभी हम क्या करेंगे, गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे क्योंकि हमारी चॉकलेट मेल्ट हो चुकी है। गैस का फ्लेम ऑफ करने के बाद हम क्या करेंगे, गैस का फ्लेम ऑफ करने के बाद मैंने यहाँ पर आइसक्रीम 5 से 6 घंटे बाद बाहर निकाल ली है। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल फ्रीज हो चुकी हैं, जमकर तैयार हो चुकी हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, इस पैकेट को ऊपर से फाड़ देंगे इस तरीके से और अपनी आइसक्रीम को बाहर निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी आइसक्रीम बनकर तैयार हुई है। जितनी अच्छी ये देखने में लग रही है उतनी ही टेस्टी लगेगी खाने में फ्रेंड्स। तो अभी हम दोनों पैकेटों को ऊपर से हटा देंगे आइसक्रीम के और जो आइसक्रीम निकाली हुई है उसको हम क्या करेंगे, एक कप ले लेंगे या ग्लास ले लेंगे, उसमें हम जो चॉकलेट है मेल्ट की हुई उसको डाल लेंगे। एक बात का ध्यान रखें, चॉकलेट गर्म ही होनी चाहिए अदरवाइज़ वो थिक हो जाएगी। और जो हमारी आइसक्रीम है उसको, जो हमारा कप है उसके अंदर इस तरीके से डिप करके उस चॉकलेट को इसके ऊपर लगा लेंगे। दोनों आइसक्रीम को इस तरीके से डिप करके हम चॉकलेट लगा लेंगे। डिप करके लगाने के बाद हम क्या करेंगे, इन आइसक्रीम्स को 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। 2 से 3 घंटे बाद हमारी फ्रिज में आइसक्रीम अच्छे से सेट हो चुकी है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी चॉकोबार आइसक्रीम बनकर तैयार हुई है।
तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करें और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी है। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो के नीचे लाइक का बटन जरूर क्लिक करें। थैंक यू, बाय बाय।